किसान बाबू सिंह आत्महत्या के मामले में 1 लाख के इनामी मुख्य आरोपी आशु दिवाकर मीडिया के सामने आए। आशु दिवाकर ने पूर्व सांसद राजा रामपाल, अभिमन्यु गुप्ता समेत अन्य लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। आशु दिवाकर ने कहा कि पूर्व में रही अखिलेश सरकार ने सभी लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं। आशु ने बताया कि अगर वो दोषी हैं तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी मृतक किसान बाबू सिंह यादव के परिवार के नाम लिख देंगे। मैं अपना विषय आपको बता रहा हूँ, प्लीज आप विषय आप नहीं नहीं पूरा मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। देखिए, बाबू सिंह जी की मृत्यु के बाद एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। आपने सुसाइड नोट को देखा होगा, उस सुसाइड नोट पर दो सिग्नेचर हैं, दोनों सिग्नेचर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, नहीं मिल रहे हैं, जो कि उनके मूल सिग्नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है। और बाबू सिंह जी 1978 में रजिस्टर्ड डोंदाम के दावे से इस जमीन के स्वामी होते थे, जो कभी वो हो नहीं पाए। उनका गोदनामा भी फर्जी करार करवा दिया गया 1999 में। बाबू सिंह मेरे ड्राइवर के रिश्तेदार थे, मेरे पास आए, मैंने उनकी मदद करी। इस मामले में एसडीएम महोदय के द्वारा एफआईआर लिखी गई, एसडीएम के एडीजी साहब के आदेश से नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई। नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई, वो 6 महीने 4 महीने जेल रहे, इससे उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। उनकी जमीन बाबू सिंह जी के नाम पर आ गई। और अब जो जमीन आनी थी, जिस नाम का उस जो तहसीलदार बिल्लौर के आदेश जो उनको 2022 में प्राप्त हुआ था, वो जमीन जो थी, वो जमीन सिकंदर यादव ने जिस फर्जी वसीयत जिसमें रोल राजाराम पाल जी का था उनके माध्यम से की। राजाराम पाल जी के मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए जो प्रमाणित हैं। वो लिख के दे रहे हैं कि वो एक निसंतान महिला के संतान पैदा करके, और आश्चर्य की बात अखिलेश यादव उन्हीं को सबका नेता बना के भेजते जाओ जांच करो जाके। और ऐसे लोग पीडीए की रैली भी माती में करते हैं, ये पिछड़ों दलितों को न्याय दिलाएंगे। जो सबसे गरीब पिछड़ा था बाबू सिंह, जो बहुत गरीब व्यक्ति था, उसकी जमीन को छीन लिया। जो और चूंकि मुझसे तो व्यक्तिगत छिड़ने का कारण अखिलेश यादव जी का है। मैंने किसी से चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक मैं चुनाव हारा, लेकिन मैंने ऐतिहासिक वोट प्राप्त किए, सर्वाधिक पोलिंग बूथों पे जीता। उनकी वहाँ की जमीन हिली, एक दलित उनसे बर्दाश्त हो नहीं सकता है। पीडीए की बात करते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ ऑन द डॉक्यूमेंटेशन आओ। और आपके सामने मैं फिर से एक चुनौती देता हूँ उनको, यदि बाबू सिंह की जमीन का एक टुकड़ा, एक पैसा, एक लालच मुझ पर साबित हो जाए, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम, बाबू सिंह के बच्चों के नाम पर कर दूंगा। लेकिन यदि मैं ऑन द डॉक्यूमेंटेशन इस पूरे प्रकरण में बाबू सिंह के साथ हुए अन्याय में अखिलेश यादव को 15 मिनट में आपके सामने साबित कर दूं कि उनकी सरकार में किस प्रकार से बिना मूल वसीयत देकर रजिस्टर कर दी, बिना पेपर्स को दाखिल खारिज कर दिया, राजाराम पाल के लोगों ने उनकी जमीन को छीन लिया, तो क्या उनके भी 3 बच्चे हैं, क्या एक चौथाई हिस्सा वो बाबू सिंह के बच्चों के नाम पे करने के लिए तैयार है? मेरी चुनौती को स्वीकार करें। बाबू सिंह जी की हत्या की गई है, बाबू सिंह जी को शराब पिला के नशे कुछ डाल के उनको टैंक के नीचे रख दिया गया है। बाबू सिंह जी मरने वाले व्यक्ति नहीं थे। बाबू सिंह जी के पास आज भी पूसा देवी की दीवी 6 बीघा जमीन है, वो आज भी मजबूत थे। और चूंकि ये अब वो अपनी जमीन का दाखिल खारिज चाहते थे, इस दाखिल खारिज में विजय लक्ष्मी एक्सपोज होती, नरेंद्र सिंह यादव एक्सपोज होते, राजाराम पाल एक्सपोज होते, तो इन्हीं लोगों ने षड्यंत्र अब इस समय बाबू सिंह जी का पूरा परिवार जो है वो नरेंद्र यादव के संपर्क में है, जिनसे वो जीवन भर लड़ते रहे। मैंने आपके सामने रख दिया है, मेरे पास मुझे न्यायपालिका में भरोसा है, न्यायपालिका में मेरा जो है चल रहा है, पेपर सबमिट कर रहे हैं। जो रक्षक था उसको भक्षक बना दिया, जो भक्षक थे जिन्होंने मिलकर खींचा, आपने ना वो पेपर्स दिखाए, आप पेपर्स को गौर करिए, और वही लोग आज उनके घर में। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप जो नरेंद्र यादव हो गए, दीपक यादव हो गए, और ये जो अभिमन्यु गुप्ता हो गए, इस सबकी कॉल डिटेल निकालना, आपसे फर्क डिटेल निकालना, आपको क्लियर हो जाएगा। बाबू सिंह हत्या किसने करी है? अभी मैंने विषय बताया तो आपको, निश्चित रूप से बाबू सिंह जी की हत्या हुई है। अच्छा, पुलिस ने 80 दिन हो गए आपको सामने आए? 80 दिन बाबू सिंह यादव को तो देरी क्यों हुई आपके सामने? मैं माननीय न्यायालय की शरण में था, मुझे अपनी कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार क्यों होना चाहेगा निर्दोष होने के बाद? तो मैं माननीय न्यायालय की शरण में था, मैं न्यायालय की शरण में था और न्यायालय की शरण में हूँ। तथ्य मैंने आपको सब दे दिए हैं, पेपर्स मैंने दे दिए हैं। फिर से अगले जी से मैं कहता हूँ,
खुद आना चाहे स्वागत है, बहुत बड़े नेता नहीं आएंगे, अपने प्रतिनिधि को भेज दें, पेपर्स पे बात कर लें। कोर्ट की शरण में हूँ, कोर्ट के निर्णय का सम्मान करूंगा, जांच में सहयोग करने के लिए आया हूँ, सहयोग करूंगा। मैं सीबीएम कोर्ट में अपना वर्डिक्ट देके आया हूँ। पुलिस प्रशासन से मुझे कुछ नहीं कहना है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में यही फर्क है, मुझे ना शिकायत भारतीय जनता पार्टी से है ना पुलिस प्रशासन से है। और राय रामपाल वो व्यक्ति हैं जो ऑपरेशन दुर्योधन स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, 25,000 में बिके थे और निष्कासित हुए थे संसद से, जो पिछड़े दलितों का जिम्मा ले रहे हैं, जो पीडीए कर रहे हैं, ये उस कैटेगरी से मेरी लड़ाई है। मैं तो तय कर चुका था कि अब मैं अपना जीवन राजनीति छोड़कर डॉक्टरी में करूंगा, लेकिन आज ये बिगुल फूंकता हूं ऐसे धर्मियों के खिलाफ, अभी लड़ाई जारी रहेगी।